हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक और आज हम आए हैं नए ब्लॉग के साथ जिसका टाइटल है मेन ट्राइंग डिफरेंट सलोन सर्विसेज। तो मैं सलोन से एक चीज़ सोच के जाता हूँ, हेयर ट्रिम कराना है और बियर्ड ट्रिम करानी है, बट मेरे को यहाँ आके पता चलेगा और भी नई चीज़ें होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ कैसा जाता है और आप लोग भी देखिए कि और क्या क्या सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टाइम जब सलोन जाए। तो कम ऑन, लेट्स गेट इट। तो मेरे साथ है अरमान भैया जो यहाँ के स्टाइलिस्ट हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ हेयर कट और बियर्ड के लिए आया हूँ, पर ये हैं एक्सपर्ट, तो ये बताएंगे क्या बेटर रहेगा। तो अरमान भैया, मैं हेयर कट करवाना चाहता हूँ, मैं ऐसे डिसेंट ऑफिस लुक चाहिए, कुछ ज़्यादा फंकी नहीं, बट शॉर्ट हेयर में नहीं, मीडियम ग्रोथ में। तो क्या प्रोसीजर सही रहेगा? पहले तो हम आपके हेयर चेक करते हैं कि आपके हेयर में क्या क्वालिटी और क्या हेयर स्टाइल आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, उसको हम चेक करके फिर आपको बताते हैं कि क्या चीज आपके लिए सही रहेगा। भैया बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। ओके, आपका हेयर हम जब चेक कर पा रहे हैं तो हल्की रफनेस दिखाई दे रही है हमें, ड्राइनेस फील कर पा रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा, और अभी जो अनप्रोफेशनल टाइप का फील कर पा रहे हैं हम आपके। राइट, तो ठीक है, हम लेकर आपके लुक को कुछ अट्रैक्टिव चीज करते हैं, एकदम प्रोफेशनल लुक। ओके, जिसको जिसको आप बोलते हैं ऑफिशियल लुक। ओके, हमारा ऑफिशियल में चलेगा और अपने पार्टी पार्टी वगैरह भी है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट। तो हम सबसे पहले आपको हेयर वॉश के लिए लेके चलते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बियर्ड पे भी बात करेंगे। okay. और आपके हेयर फेस के लिए क्या बेटर रहेगा उसके लिए भी बात करेंगे। okay, great. सबसे पहले आपको हेयर वॉश के लिए हम लेके चलते हैं। okay. ये बढ़िया लग रहा है, मैं सो जाऊंगा शायद। ये नहा दे तो अपन कटिंग के बाद पहले क्यों? बैक टू रियलिटी। भैया ये आप जो हेयर कट करते हो उसके बाद घर जाके नहाना पड़ता है कि नहीं? नहीं है, ऑब्वियस क्वेश्चन है। क्या नहीं है दिनों में? अगर आपको जरूरत लगती है कि मेरे को हेयर चुभ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्रीमर यूज किया, क्रीमर में आपको एक नंबर मैंने जीरो नहीं करते हुए एक नंबर पे मैंने किया। गंगा तो नहीं होगा ना भैया पीछे से? बाल ऐसे आपके पकड़ के रखेगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि आपका हेयर इधर उधर नहीं भागेगा, एक जगह मैनेज करके रखेगा। इस साइड भी लगानी होगी सर? ओके। डन, क्योंकि बहुत औसम बाल लग रहा है अभी तक अगर इन्हें स्टाइलिंग नहीं करी और ये हाल है। इसको ओपन करके दिखाइए क्या सीन है। हाथ से बात करें, बहुत क्रिस्पिंग है, बहुत बढ़िया स्मेल है। तो ये क्या, ये नरिशमेंट की भी है, क्या है ये, क्या सीन है? बढ़िया ठंडा यार, ये तो बहुत ठंडा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है रूट पर बिल्कुल अंदर तक जा रहा है, बिल्कुल ऐसा वाला। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही लग रहा है। तो अभी भैया मेरे स्कैल्प तक में पूरी ये क्रीम लगा रहे, तो अगर ये क्रीम अगर मैं बोलूँ तो इस काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन, ये आपकी स्किन को बिल्कुल डीप मॉइस्चराइज करेगी, तो जो भी डैंड्रफ जो भी ड्राइनेस है वो पूरी सॉर्ट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे को स्टीम दी जा रही है,
तो जो क्रीम लगाई थी अब वो स्टीम के थ्रू आपके स्कैल्प के अंदर जाएंगे। जैसे ये कहा जाता है कि आपके बाल नरिश हो जाएंगे, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपके बालों को जो कि नहीं थे। और मेरे बालों में भाई 10 मिनट नहीं लगे, ऐसा लगा मैं जस्ट अभी सोया हूँ, थोड़ी दौड़ लगा दो भैया। अभी आपका ये वाइब्रेशन मशीन वाइब्रेट हुई, आपको शुरू करते हैं आपका हेड मसाज। बिल्कुल, ये अब एक नई सर्विस। ऐसा लग रहा पूरा टोस तक दिमाग से चालू हो रहा है वाइब्रेशन, पैर तक जा रहा है बिल्कुल। एक चीज और तो कुछ अलग मजा आएगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ का? तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अल्टीमेट फील था ये, जो इनका पहले जो मशीन थी हाथ की, जो उसका सा हाथ में पहना और जो हाथ वाइब्रेट हुआ है, तो आप मसाज के लिए तो यूज़ कर सकते हो। और जो हाँ जो फिंगर टिप मसाज हुआ वो भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल नींद खोल दी, बिल्कुल रिफ्रेशिंग था। कह सकते हैं पूरा स्ट्रेस एक बार पूरे हफ्ते का बिल्कुल गायब हो जाता है। अब अगर आप मेरे को कंप्यूटर के सामने वापस बैठा दो, 2 दिन में एक प्रोजेक्ट खत्म। तो भैया इसके बाद आगे अपन क्या करने वाले हैं? तो इन लोग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बियर्ड ग्रोथ और बढ़ जाए, क्या कोई प्रोडक्ट यूज करें या कुछ? ओ भाई साहब, चेहरा ही बदल दिया, पूरा लुक बदल दिया ये तो। सभी भी बचा? अरे बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में अपना हेयर सेट करेंगे ड्राई से, ड्राई से हेयर सेट करने के लिए फेस पे थोड़ा सा कुछ करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत ही सिल्की स्मूथ है, बहुत सिल्की स्मूथ, ऐसा लग रहा है बस मैं हवा में उंगलियां घुमा रहा हूँ। बाल बचे ना वही अंदर, उसमें बाल है ना, और ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, इतना स्मूथ जा रहा है, इतना ठंडा। हाँ हाँ, तो जैसे कि भैया ने कहा कि अभी मेरे बाल जितने होना था कटिंग वटिंग सब हो चुका है, अब आएगा बिल्कुल रिलैक्स वाली चीज़ है। मतलब इतना ज़्यादा रिलैक्स हो चुका हूँ कि मेरे से बोलते नहीं बन रहा है। तो इसके बाद अपन करेंगे मैनीक्योर पेडिक्योर, फिर हो सकता है फेस पे भी चीज़ें हों, फेस पे होंगी ना, तो फेस पे डी टैन और अलग अलग मसाज किया जाएगा। उनका इतनी सर्विसेज हैं, लेजिट कोई इंसान नहीं सोच सकता। मेरे को तो भाई बिल्कुल प्रीमियम फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है राजा बन गया, इतनी इज्जत ज़िंदगी में नहीं मिली। तो चलिए फिर आगे के इसको अभी अपन ब्लो ड्राई करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसा हेयर स्टाइल आ रहा है, क्योंकि अभी गीले बाल में बता नहीं सकते। तो आप पहले ब्लो ड्राई करते हैं, फिर बाकी की बाद में सर्विसेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरे बाल कंप्लीट ड्राई हो चुके हैं, और स्पा के बाद इतने सॉफ्ट एंड बाउंसी हो चुके हैं, इतना मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे मतलब इतने कर्ली बाल थे। आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि यहाँ जा रहे कोई वहाँ जा रहे, पर अब बिल्कुल स्मूथ एंड सेट। तो ये तो हो गई बालों की बात, अब आते हैं फाइनली स्किन के ऊपर, जो कि चेहरे के ऊपर। तो भैया अब अपन क्या करने का सोच रहे हैं? आपके सबसे पहले हम डीटेन अप्लाई करते हैं। ओके, आपकी टैनिंग के लिए, टैनिंग के लिए डीटेन अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा जो फेस पे डलनेस दिख रही है डीटेन से कवर होगा। ओके ठीक है, उसको कवर करने के बाद में थोड़ा मसाज वगैरह जो देखना होगा नेचुरली देखेंगे। हम डीटेन यूज करते हैं आपको O3 का। ओके ठीक है, O3 ये कंपनी है? हां, O3 कंपनी है हमारी, O3 प्लस। तो भैया आपको पता है डीटैनिंग क्या है? तो मैं आपको समझाता हूँ। तो डी टैनिंग से होएगा क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैन क्या होता है? तो टैन इज एक्चुअली जो सनलाइट के कारण आपका जो नेचुरल कलर रहता है वो डल कर देते हैं। तो डी टैनिंग ये जो भी प्रोसेस करने वाले हैं उससे जो आपके चेहरे पे टैनिंग हुई है वो कम्प्लीटली हट जाएगी, तो जो आपका अंदर का असली चेहरा है ना वो बाहर निखर के आएगा। तो भैया शुरू करते हैं।
शिट मैन यहाँ दुख रहा है भाई, बहुत दुख रहा है, मुंडी नीचे गिर जाएगी भाई मेरे को। भाई रोना निकाल दिया हमने तो। नहीं भाई दर्द होता है, hats off to you girls जो ये करवाती हैं। हो रहा है भाई, तेज हो रहा है और ऐसा खिंच रहा है ना, चींटियां नहीं काट रही भैया, ये मधुमक्खी काट रही है मेरे को। तो ठीक है, अब मेरे हेयर कंप्लीट हो गए हैं, स्किन कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद भैया चलते हैं अब मैनीक्योर। उसमें कितना दर्द होगा भैया? बोला पक्का उसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है कि भाई नाखून काटने के लिए हमें? चलिए भैया चलते हैं मैनीक्योर और पेडीक्योर की तरफ, तो आप भी चलिए। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस को भी बताऊं तो सोप वाले ऐसा लग रहा है डिटर्जेंट में हाथ डाल के बैठा, पर बहुत सॉफ्ट है ये, और पैरों में भी मज़ा आ रहा है, बुलबुले धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो यहाँ मेरे अब हाथ सुखाए जा रहे हैं, जो सोप वाला वाटर था वो साफ किया जा रहा है। मैम ये आप क्या अप्लाई कर रहे हैं इस पर? अच्छा ये मॉइस्चराइजर टाइप का। ओके मैम उंगली तो नहीं काटोगे ना? नहीं दर्द तो नहीं होगा ना मैम? नहीं मैम अंदर मत, वो निकल जाएगा ना। ये इनके टूल्स हैं, ये अब मेरे पैर के साथ ऑपरेशन चालू होने वाला, मैं ये ना कर देता हूँ। ये पैर मत छुए ऐसा, अच्छा नहीं लगता है। सॉरी नहीं। तो अब इनने ये सेम चीज़ जो ना, अरे सर क्यूटिकल थोड़ा आराम से करो ना, ऐसे नाखून, हाँ हल्का हल्का हल्का। तो ये अब वापस से क्यूटिकल्स क्लीन कर रहे हैं जो हाथ पे हुआ था, एग्जैक्ट वही प्रोसेस अब पैरों पे भी होगी। तो जब तक मेरे पैर हो रहे हैं आप मेरे नेल्स देखिए बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी। तो मैं ये प्रेफर करूँगा सारे लड़कों से कि भाई दांतों से मत काटो। ओह मैम क्या है ये? तो ये कुछ काइंड ऑफ क्रीम है, और ये जैसे अपना फेस स्क्रब होता है ना कि उसमें कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो क्लीन करता है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हार्ड डिप कर लूँगा, तो मैंने वापस डिप कर दिया है। तो अब ये जो भी स्क्रब लगाया गया था वो रिमूव हो रहा है उससे। तो अब एक जगह से साफ हो रहे हैं और दूसरी जगह से ब्रश चालू हो रहा है। अच्छा डेड स्किन निकाली जाएगी। तो भैया के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उससे डेड स्किन, अरे भैया गुदगुदी हो रुक जाओ, बताते रहो कहाँ कहाँ कर रहे हो, एक से रुको, पैरों में गुदगुदी होती मत करो भाई। कुछ कुछ और है इससे अच्छा, इससे अच्छा भाई ये ज़्यादा बेहतर है। अरे भाई अरे सर गुदगुदी हो रही ना यार, मेरा भी दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा किस चीज़ पर रहा हूँ। मैनीक्योर तो कंप्लीट हो चुका है, पेडीक्योर में भी शायद लास्ट स्टेप बची है कि यहाँ पे ब्रश की ये ब्रश किया जा रहा है ताकि जो अभी स्क्रब लगाया गया था, और ये फाइनल वॉश हो रही है। तो मैं बोलूँगा मैनीक्योर पेडीक्योर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बहुत रिलैक्सिंग, अगर आप महीने में या आप दो महीने में एक बार बिल्कुल आके ये करा सकते हैं।